जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान। त्रिसठवीं और चौसठवीं गाथा अपन ने कल चलाई थी, अब उस गाथा की टीका जो आचार्य अमृतचंद ने आज से 1000 वर्ष पहले और कुंदकुंदाचार्य देव से 1000 वर्ष बाद लिखी है संस्कृत भाषा में, उस टीका का हिंदी अनुवाद अपने यहाँ पढ़ते हैं। उन्होंने इस टीका के अर्थ में क्या लिखा, प्रकरण ये चल रहा है कि हम जिनको इस जगत में सबसे ज्यादा सुखी मानते हैं और जिस पद की प्राप्ति के लिए निरंतर हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस पद को प्राप्त किया है, एक दफे उनकी स्थिति तो देख लें, एक दफे उनकी राय तो समझ लें कि उनने कितना अपने को सुखी अनुभव किया है, फिर हम इस दिशा में प्रयत्न करें। तो उनमें उनने 3 व्यक्ति चुने थे, एक चक्रवर्ती जिसे यहाँ नरपति शब्द से कहा है, एक देवेंद्र पहले स्वर्ग के सौधर्म इंद्र, और दूसरे नागेंद्र। ये 3 जो हैं ये सबसे ज्यादा संपन्न लोग हैं लोक में, जिन्हें हम सुखी कहते हैं, अथवा लोक में जिसे हम सुख कहते हैं, वो सुख सामग्री इन लोगों के पास सबसे अधिक उपलब्ध है। तो पहले ये समझ लें कि ये सुखी हैं या नहीं। तो कहते इतनी कोई कमी नहीं है, सब तरह की भोग सामग्री उपलब्ध हैं। चक्रवर्ती का वैभव हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कोड़े 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, कितनी संपत्ति देखो, 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी, 1 करोड़ गांव और बहुत 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके अंदर में उनकी सेवा करने को तैयार 24 घंटे। ऐसी ऐसी विभूति वाले चक्रवर्ती कितने सुखी हैं, और सौधर्म इंद्र वो कितना सुखी है, इनको हम एक बार देख लें। तो कहते देखो गुरुदेव श्री चक्रवर्ती के भोजन की चर्चा करते थे, तो वो बताते थे कि उनको जो खीर बनती थी खाने के लिए वो कैसे बनती थी मालूम आपको, 10,000 गायों को घास नहीं खिलाया, अनाज नहीं खिलाया, मेवा खिलाया, सब बादाम अखरोट वगैरह जो कुछ है ना, बढ़िया बढ़िया मेवा खिलाए और उनका दूध निकाला तो कितना गरिष्ठ होगा। और वो दूध 1,000 गायों को पिलाया और कुछ नहीं दिया उन्हें, और वो गायों से जो दूध निकला उसे 1,000 से 10 गायों को पिलाया, 100 गायों को पिलाया, उससे निकला वो 10 गायों को पिलाया, 10 गायों से निकला वो 1 गाय को पिलाया, और उसका जो दूध निकला उससे जो खीर बनती थी वो खीर इतनी गरिष्ठ होती थी कि चक्रवर्ती की पूरी सेना उसे खाए तो उसे दस्त हो जाए, पचता नहीं, वो पचा नहीं सकती थी सारी सेना, सर्व चक्रवर्ती और उसकी पटरानी उसे पचा सकती थी और किसी की ताकत नहीं थी कि उसे पचाए, सबको पेचिस हो जाए।
उनके भोजन की व्यवस्था की कैसी थी मालूम? 365 दिन के भोजन के लिए 365 रसोईया नहीं, 365 रसोइयों के ग्रुप थे। एक एक ग्रुप में सैकड़ों रसोईया थे, उनका एक हेड था और वे सब रसोईया मिलकर 364 दिन तक एक दिन के भोजन की तैयारी करते थे। स्वर्ण भस्म फलानी भस्म भी घोटा करते थे, पीसा करते थे, समझे ना, वो भोजन चक्रवर्ती करते थे। माने कोई सुख सामग्री जिसे अपन कहते हैं वो वास्तव में भोग सामग्री है और उसके बिना चक्रवर्ती का एक दिन भी नहीं चलता था। कल मैंने बताया था कि युद्ध में वे गए थे तो पूरा रनवास साथ में था, सारे ठाट बाट साथ में थे। इतनी भोग सामग्री उपलब्ध है, अब और तुम्हें क्या सुख चाहिए, अपन कहते हैं ना। तो वो एक कहते हैं कि ये भोग सामग्री उनके सुखी होने की निशानी है कि दुखी होने की। एक व्यक्ति कहे कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता क्योंकि मेरे साथ दो डॉक्टर और दो दवाइयों के बक्से 24 घंटा चलते हैं, मैं जहां जाऊं वहां वो जाते हैं, इतनी पक्की व्यवस्था है इसलिए मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। कहते दवाइयों के बक्से और ये डॉक्टर, तू सदा बीमार है इसकी निशानी है कि तू बीमार नहीं होता इसकी निशानी है, है? ये दवाइयां और डॉक्टर तो बीमारी की निशानी है। आदिनाथ भगवान जब 83 लाख पूरब के हो गए, 83 लाख पूरब माने अपन मानो एक पूरब माने एक बरस, तो उनकी कुल 84 लाख पूरब की आयु थी, तो उसे समझ लो आज के हिसाब से 84 वर्ष के थे। 84 वर्ष तक उन्हें जिंदा रहना था। अब आप अंदाज लगा सकते हैं ना अपने आधार पर। तो 83 वर्ष के जब वे हो गए होंगे तो जवान होंगे के बुढ़े, हैं? अब आप सोचो कैसे होंगे, पर एक साल बाद उन्हें मरना है, और उन्हें वैराग्य नहीं हुआ तो इंद्र को चिंता हो गई कि ये कब वैराग्य लेंगे, फिर कब उपदेश देंगे, कब दिव्य ध्वनि करेगी, कब वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन होगा। तो उसने वो नीलांजना नाम की देवांगना भेजी जो उनके मनोरंजन के लिए, और वो बीच में नाचते ही नाचते मर गई। और लोगों की तो समझ में ही नहीं आया कि मर गई क्या हुआ, लेकिन उनकी समझ में आ गया और उन्हें वैराग्य हो गया। इतनी बात तो आपने सुनी होगी ना, और कई दफे पंच कल्याणक में देखी भी होगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि 83 वर्ष की उम्र में वे नीलांजना का नृत्य देखने गए क्यों थे, हैं? क्यों? अभी 83 वर्ष का कोई पंडित और सामने एक जगह टीवी खोल के महाभारत भी देखे तो आप सब लोग कहते हो कैसा पंडित है, कैसा पंडित 83 वर्ष का हो गया, क्यों? और अभी टीवी देखता है। अरे हमें तो टीवी पे समाचार सुनना मुश्किल है, तो उनको कोई कुछ नहीं कहता। अरे टीवी पे तो सिर्फ चित्र आते हैं, लेकिन वहां तो साक्षात देवांगना स्वर्ग से आई थी, सौदर्भिंद ने भेजी थी। आप जानते हैं तीर्थंकरों की सब भोजन वगैरह की, कपड़े लत्तों की
सारी व्यवस्था सौधर्मेंद्र करता है, उसके मनोरंजन की व्यवस्था भी सौधर्मेंद्र करता है। तो ये जो आज नीलांजना का नृत्य हो रहा था वो कोई नया काम नहीं था, ये रोजाना का प्रोग्राम था। रोजाना कोई ना कोई देवांगनाएं आती थी और ऋषभदेव अपनी पूरी राज्यसभा के साथ बैठे बैठे ठाट से सब देखा करते थे और राज्यसभा के सब सदस्य भी वो देखते थे, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वे क्या सोचते हैं ऋषभदेव, कि मैं कितना दुखी हूं, कि मेरे दुख को दूर करने के लिए इतना भोजन, इतना ठाट बाट, इतना ये रोजिना नृत्य की व्यवस्था, गाने की व्यवस्था, क्यों नृत्यांगनाएं नाचे मेरे मनोरंजन के लिए। क्यों मनोरंजन की किसको जरूरत होती है, जो बहुत चिंतित हो, बहुत किसी तरह से मन उसका उचाट हो रहा हो, वो ही तो करता है ना। क्यों तो मैं कितना दुखी हूं कि मेरे दुख को दूर करने के लिए कितने लोग लग रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर फिर भी मेरा दुख दूर नहीं होता। अब ये तो देखो, ये जो नीलांजना थी ना, देवांगना थी, देवांगनाओं को कितना सुख होगा इसकी कल्पना तो आप लोगों ने की होगी और मन में देवांगना होने की भावना भी बहुत भारी होगी। क्या इंद्र बनते हैं, इंद्राणी बनती हैं, सती बनती हैं, ना बनते हैं लाखों रुपया दे दे कर बोलियां लगा लगा करके, तो वो भी तो एक देवांगना थी ना। और उसे पता था कि नहीं पता था कि आज मैं मरने वाली हूं, पता था कैसे, क्योंकि वह 6 महीना पहले उनकी माला मुरझा जाती है ना, कोई माला माला नहीं होती है जो मुरझाए, फूलों की माला थोड़ी होती, वो तो मणियों की माला होती है। फिर मुरझाने की बात शास्त्र में क्यों लिखी, आंख की जो निगाह है वो सीधी दूर तो देखती है और मुड़ना कम हो जाती है, ऐसी मुड़ती नहीं है नीचे को। तो यहाँ हार माला पहने ना तो वो फीकी दिखने लगती है, वे मणियां हमेशा जैसी नहीं दिखती, ऐसी सामने करें तो बहुत बढ़िया दिखती हैं, फीकी हुई नहीं है, वे मुरझाई नहीं है, मणि मुरझाते नहीं है। लेकिन ऐसा तिरछा होने से निगाह नहीं मुड़ती है तो वो फीकी फीकी दिखने लगती है, तो उसे माला मुरझा जाना कहते हैं। इससे उन्हें पता लग जाता है कि हमारी उम्र 6 महीना से ज्यादा नहीं रही, और फिर एक एक दिन गिनते होंगे। अब आज तो नीलांजना को पता होगा ना कि मेरे आज मैं मरने वाली हूं, तो वो कह देती कि मैं नहीं जाऊंगी आज ड्यूटी पे, कह सकती थी ना। आप लोग भी सर्विस करती हैं जो, तो वो जिस दिन नहीं जाना होता तो नहीं जाते हैं ना, एप्लीकेशन भेज देते हैं, मेडिकल भेज देते हैं, वो तो मेडिकल के योग्य ही थी, आज ही मरने वाली थी, वो क्यों आई, कि ऐसा अनुशासन देवगति में नहीं है कि वो मना कर दे, समझ नहीं ना। यदि इंद्र ने आज्ञा दी है तो उसे मरने की कीमत पर भी जाना पड़ेगा। कितनी आजादी है चाहिए, ऐसी आजादी बनना है देवांगना, कितना कठोर अनुशासन। हम लोग अमेरिका जाते हैं और वहां से देख दाख के आते हैं और कहते हैं कितने नीट एंड क्लीन, कितनी सफाई, सड़कों पर एक कूड़ा का नहीं दिखाई देगा, सब बिल्कुल एकदम अप टू डेट। लेकिन मैं एक ही बात पूछता हूं अजित प्रसाद जी, कि ये भी सफाई करने आप जाते हो, वो अमेरिका की सफाई किन्ने की है, अमेरिका वालों ने की है ना,
हमने थोड़ी की है, तो उनने अपनी की तो हमें अपनी कर लेना चाहिए। बस हम उनके गीत गाएंगे जैसे कोई सुरक्षित आके देवता आकर के उनकी सफाई कर गए हों, हैं? वो लेटरिन बाथरूम साफ घर के मालिक को ही करना पड़ता है, वहां कोई हरिजन नहीं आता है सफाई करने, और घर की सारी सफाई, घर के सामने की घास खुद काटना पड़ती है, चाहे वे अरबपति सेठ जी हो चाहे कोई हो, कोई नहीं मिलता वहां पर, सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। तब वो इतने हैं, स्वर्ग की भी ऐसी हालत है, इतने कठोर अनुशासन पालन करने वाली देव देवांगनाएं हैं, तब स्वर्ग में इतना बढ़िया ठाठ बाट दिखाई देता है। चलो जाने दो, वो तो पराधीन थी, लेकिन सौधर्म इंद्र को पता था कि नहीं, कि वो देवांगना आज मरने वाली है। अरे सौधर्म इंद्र ने तो षड्यंत्र रचा था, ऐसी देवांगना वे तो खोज रहे थे कि जो आज ही नाचते में मर जाए, और उन्होंने तो इंतजाम किया था कि वो मर जाए तो उसी वक्त उसी जैसी दूसरी देवांगना आ जाए और वो नाचने लगे, किया था कि नहीं किया था? तो उन्हें भी पता था, यानी उन्हें भी दया नहीं आई कि एक दिन की छुट्टी तो दे दें इसे, ऐसी की ड्यूटी लगाई, क्यों कि जो नाचते नाचते में ही मर जाए, एक सेकंड की भी उसे बीच में आराम करने की सुविधा नहीं मिले। हमने उसके स्वर्गों के सुख तो बहुत पढ़े और बहुत सुने, और सुनाने वाले पंडित भी बहुत मिले होंगे जिससे तुम्हारे मुंह में पानी पानी भर भर के आ गया होगा, बड़े सो पावे सो धर्मेंद्र बन जाओ, क्यों 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख हैं? वहां ऐसे ऐसे बढ़िया सुख हैं, लेकिन ये नहीं बताई कि वहां क्या दुर्दशा है, हैं? लेकिन एक प्रवचन सार की ये गाथा बता रही है, हैं? कि सब देश सोचते हैं कि मैं कितना दुखी हूं, 5 इंद्रियों के भोग की सामग्री और ये सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध होना, ये हमारे सुखी होने की निशानी नहीं है बल्कि हमारे दुखी होने की निशानी है, समझे? ये बात यहाँ कही। इसके लिए देखो वो कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले समय सार, देखो इन प्राणियों को इस किताब में देखना, इस पीली किताब में तो इसमें भी है, परोक्ष ज्ञान की सामग्री इंद्रियों रूप के रूप में निज रस से ही मैत्री देखी जाती है। कहते हैं जो आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, माने जिन्हें केवल ज्ञान नहीं है, वे सब जीव परोक्ष ज्ञान वाले कहलाते हैं। जिनको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान है, वे परोक्ष ज्ञान वाले हैं, और केवल ज्ञान वाले जो हैं प्रत्यक्ष ज्ञान वाले हैं। तो कहते जिन परोक्ष ज्ञान वालों को 5 इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इसमें स्वाभाविक ही रस है, जन्म जात उसको उसमें आनंद आता है, बच्चा पैदा होता है तो जो चीज मिले उसे खाने को फिरता है, उसे आप कुछ भी दे दो अपने मुंह में देगा। माने 5 इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने का रस इस जीव को जन्म से ही है, और उस दुख को के वेग को सहन ना कर सकने के कारण वो दुख इतना है कि उसको दुख सहन नहीं होता है, तो व्याधि के प्रतिकार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है, और इंद्रियां व्याधि के समान, विषय व्याधि के प्रतिकार के समान छद्मस्तों को पारमार्थिक सुख नहीं है। कहते वो इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं सामने, और उन्हें झपट्टा मार मार के उनके विषयों को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा होती है,
अपन तो जरा सभ्य हो गए ना, तो सामने कोई चीज है और उसे देख करके अपन को तीव्र खाने की इच्छा हो जाए तो भी ऐसे झपट्टा मार के नहीं खाते हैं, लोग क्या कहेंगे। अपनी थाली सामने परोस दी गई, फिर भी जब तक सबको नहीं परोसा जाएगा तब तक खाना सभ्यता के विरुद्ध है। और जब वो घर का मालिक बोलेगा निमंत्रण देने वाला कि सब जीवों अब परोस हो गई, तब जीवते हैं ना, तो धैर्य के साथ बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते हैं। खाने की इच्छा तो सबको है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वे झपट्टा मार के खाते हैं कि नहीं खाते हैं। उनकी माताएं बहुत रोकती हैं कि बैठ बैठ अभी खाना अभी खाना अभी खाना, वे नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कि इज्जत वाले नहीं हैं। अपन क्यों मानते हैं? क्योंकि अपन इज्जत वाले हैं, अभी ऐसा करेंगे तो अपनी इज्जत चली जाएगी। अब उतने काल में कितना दुख है वो आप सोचो, वे उस काल में सुखी हैं क्या दुखी? जो पांच इंद्रियों के विषय खाने की अपन उदाहरण दे रहे, वो खाने का विषय जो अपने सामने मौजूद है, रसना इंद्री का विषय, और अपन को वो खाना है तो वो सामने रखा है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी लोग बोले क्यों देर कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों अभी तक नहीं हाँ बोला कि खाओ सबसे शुरू करो, क्यों? तो वो झपट्टा मार के खाने की प्रवृत्ति है, सभ्यता के नाते हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पशु बच्चे उनको सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, इज्जत का सवाल खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए झपट्टा मार मार के खाते हैं। तो इस तरह पांच इंद्रियों के विषयों को झपट्टा मार कर भोगने की आदत हम सबको है। हम सब माने वो सौधर्म इंद्र, वो चक्रवर्ती ये सबकी बात कर रहे हैं, अकेले रसना इंद्री की नहीं, स्पर्शन इंद्री का भी ऐसा ही, घ्राण इंद्री का भी ऐसा ही, चक्षु इंद्री का भी ऐसा ही। जब आप सिनेमा देखने जाते हैं और वहाँ फिल्म शुरू नहीं हो तो क्यों पर्दा क्यों नहीं खोलते, पर्दा क्यों नहीं खोलते, जल्दी खोलें क्यों? एक मिनट में नारे लगाने लगते हैं, आवाज़ लगाने लगते हैं, अरे भाई जब तुम्हें बुलाया है यहाँ बैठाया है तो अभी दो एक मिनट में शुरू हो जाएगा। जब नाटक होता है ना तो उसके नाटक करने वाले और नाटक देखने वालों इन दोनों के बीच में एक पर्दा होता है, होता है ना। अब नाटक पर्दे के पीछे वाले लोग तो नाटक की तैयारी में लगे रहते हैं, काम करते हैं बेचारे भी, तो और सामने वाले देखने वाले ये पर्दा खोलते क्यों नहीं है? कितनी देर हो गई, 8:30 बज गए, इतने बज गए, इतने बज गए, कितनी आंख उल्टा करते हैं। और कुछ लोग तो उस पर्दा को फाड़ देते हैं, पर्दा तुम फाड़ दोगे तो पर्दा के पीछे जो देखना चाहते हो वो देखने को नहीं मिलेगा, श्री राजा का दरबार नहीं लगा होगा, किसी की एक मूंछ रंगी गई होगी और एक नहीं रंगी गई होगी, ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। यहां तो सिर्फ ये कहते हैं कि पांच इंद्रियों के विषयों की कितनी तीव्रतम लोलुपता है, इसको आप खुद सोचो, मेरे जुम्मे मत छोड़ो कि मैं ही सोच सोच के बताऊं। स्पर्शन इंद्रिय के विषय के भोगने की जब आकांक्षा होती है तो कितनी आकुलता होती, कितनी तीव्रता होती, कितनी जल्दी होती है ना। ऐसे रसना इंद्रिय की, ऐसे घ्राण चक्षु कर्ण इन सब के पांच इंद्रियों के विषयों के भोगने की तीव्र इच्छा और उसके विषय ये मौजूद हैं और 24 घंटा भोग विद्यमान है। क्यों? अभी रात को अपन सो गए, बिल्कुल आराम से नींद आ गई, अब तो भोग बंद हो गए कि नहीं, क्या है, क्यों? एसी अभी भी चल रहा है, क्योंकि एसी की ठंडक के बिना मुझे नींद ही नहीं आती है, यदि वो एसी बंद हो जाए तो मेरी नींद उचट जाती है, वो भी स्पर्शन इंद्री का भोग है, आप समझ गए ना। तो 24 घंटा पांच इंद्रियों के भोगों में ये सारा जगत बहुत दुखी है। वो तो ये कह रहे हैं
कि नरक में पांच इंद्रिय के भोगों की प्राप्ति नहीं है, इसलिए वे दुखी हैं, और स्वर्ग में सब प्राप्त हैं, इसलिए वे सुखी हैं। आज तक अपन ऐसा समझ रहे थे, अब वहां खड़े होके देखो कि जे ये कह रहे कि जिन्हें तुम सुखी देख रहे हो, समझ रहे हो, वे भी कितने दुखी हैं, इसकी कल्पना तुम करो। देखो उनका पांच उदाहरण देते हैं आचार्य, पांच उदाहरण खुद देते हैं वो, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं। हत इंद्रियां क्या होती हैं? हत माने हत्यारी, अच्छी नहीं। जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, जीवित हैं माने जिनको इन पांच इंद्रियों के माध्यम से भोग भोगने की तीव्र इच्छा है, उसका नाम है हत इंद्रियां जीवित हैं, है ना। जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है, कोई बाहर के दूसरे लोगों की वजह से उन्हें दुख नहीं है, संयोगों के कारण दुख नहीं है, अपितु उनका दुख स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती है। यदि उनको विषयों में रति नहीं होती तो दुख नहीं होता। अभी अपन खाना खाने बैठे थे ना, तो जब तक खाना खाने को मुंह में नहीं दिया तब तक तो दुख था, वो तो आपकी समझ में आया। अब हमने खाना शुरू कर दिया, अब तो सुख है ना। फिर हमने एक कोर खाया, मीठे का खाया, सबसे पहले मीठा के खाने की बहुत इच्छा होती है, तो फिर दूसरा कोर, फिर मीठे को ही खाते हो कि नमकीन का? क्यों? वो तो पहला कोर मीठे का खाया, फिर दूसरा कोर क्योंकि मुंह खराब हो गया तो मुंह ठीक करने के लिए फिर नमकीन खाते हो, तो सुख हुआ के दुख हुआ? जब द्वारा वही कोर खाने की इच्छा नहीं रही, इसका मतलब क्या है बोलो? तो उससे तुम्हें सुख हुआ होता तो रिपीट करते, बंस मोर करते, फिर नमकीन खाया, फिर नमकीन खाओ, नहीं फिर चटनी, फिर कड़वा, फिर ए बदल बदल के। क्यों? और ऊपर से पसीना आ रहा है, ये हो रहा है। ये दुख की दशा है कि सुख की दशा है? एक एक कोर के साथ तुम सुखी अनुभव कर रहे हो कि दुखी अनुभव कर रहे हो? जब पेट का गड्ढा खाली था तो उसे बहुत दुख थी, दुखी थे, इसलिए भर जाएगा तो एकदम सुखी हो जाएंगे, ऐसा रहता है ना अपने को। लेकिन जब भर गया तो आलस आने लग गया, खाली था तो भरने का विकल्प था, अब भर गया तो खाली करने का विकल्प। कोई चूरन बूरे में दो दिन से पेट साफ नहीं हो रहा, सुबह पेट साफ हो जाए तो ऐसा लगता है आधा मोक्ष हो गया। आप विचार करो, अपने अपने सब चीजों का, मैं एक इंद्री की बात कर रहा हूं, अब आप पांचों इंद्रियों पर लगाना। देखो ये पांच उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार हाथी हथिनी रूपी कुटनी के शरीर के स्पर्श की ओर, मछली बंसी में फंसे हुए मांस की स्वाद की ओर, भ्रमर बंद हो जाने वाले कमल की गंध की ओर, पतंगे दीपक की ज्योति के रूप की ओर, हिरण शिकारी के संगीत की स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। पांच उदाहरण दिए, तो पहला क्या है? हाथी, जो जंगल के हाथी होते हैं ना, बहुत उद्दंड, किसी के काबू में तो होते नहीं है, ये बाद में पालतू हो जाते हैं तो ये तो ट्रेंड हो जाते हैं और अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। तो उद्दंड हाथियों को पकड़ लें जंगल में से, तो राजा लोग उन्हें खरीदने की बजाय पकड़वा लेते थे जंगल से, तो हाथी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो क्या करते हैं वो कि एक बहुत बड़ा गड्ढा 25 फुट चौड़ा, 25 फुट लंबा, 10-20 फुट गहरा एक गड्ढा खोदते और उसके ऊपर थोड़ा सा वो लगा देते,
पतला पतला छत डाल देते समझ लीजिए, और उसके ऊपर पे हरी घास मांस डाल के मिट्टी डालकर ऐसा बना देते कि जैसे ये जमीन ही है, माने नीचे गड्ढा दिखाई नहीं देता। और गड्ढा होता फिर एक हथनी को ऐसा ट्रेंड करते, ये सब आचार्यों ने लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, उसे कुटनी बोला करते, कुटनी हथनी माने बहुत चालाक हथनी। उन हाथियों को फंसाने के लिए वो कुटनी हथनी को ट्रेंड करते कि वो जाए उस जंगल में से उस हाथी के सामने जाए और ऐसी कामुक चेष्टाएं करे कि जिससे हाथी उस पर मोहित हो जाए, और जब वो हाथी उस पर मोहित हो जाए तो ये वहां से भागे तो पीछे पीछे हाथी दौड़ेगा। इस हथनी को तो मालूम है कि यहाँ गड्ढा है, ट्रेंड किया ना उसे, तो वो तो गड्ढे के पास आती तो ऐसा चक्कर काट के और ऐसी निकलती। इतना में हाथी जो पीछे दूर रह गया था ना, वो नजदीक आ जाता तो वो कहता मैं क्यों चक्कर काट, मैं तो सीधे ही जाऊं ना, क्योंकि वो सामने दिखती हथनी उधर। तो एकदम उस गड्ढे में वहां पैर रखता और गड्ढे में गिर जाता, और फिर महीना दो महीना तो छोड़ देते, वही भूखों मरने देते उसे। जब बहुत पस्त हो जाता तो फिर जाकर कोई दो चार आदमी उसे कुछ खाना देते, ऊपर से फेंकते, ये करते ये करते, तो धीरे धीरे वो हाथी समझने लगता कि ये हमारे मित्र हैं, कि ये हमें खाने दे रहे हैं, समझे ना। तो जब उनसे वो मित्र समझने लगते तो उस हथनी को, उस हाथी को गड्ढे से निकालने का इंतजाम करते। तो हाथी समझदार प्राणी होता, वो जानता कि इनने हमें इस गड्ढे में से निकाला है, तो फिर वो उनकी ट्रेनिंग स्वीकार करते और उनके काबू में हो जाते। तो ये उस हाथी का उदाहरण दे रहे कि जो हथनी के प्रेम में पड़कर उसके पीछे ऐसा भागा और गड्ढे में गिर के फंस गया। ऐसे सारे जीव पांच इंद्रियों के पीछे उनमें ऐसे मोहित होकर ऐसे भागते हैं और इस संसार में फंस के रह जाते हैं। एक उदाहरण काय का हुआ, हाथी का, और दूसरा उदाहरण मछली का, कि मछली को पकड़ने के लिए एक कांटे में आटा लगा देते हैं शिकारी लोग और एक तालाब में डालते हैं, तो वो आटा खाने के लिए मछली उसे खाती है तो अंदर का कांटा उसके तालू में छिद जाता है और फिर वो उसे खींच लेते हैं, मार डालते हैं। तो वो आटा के लोभ में जैसे मछली, हथनी के लोभ में जैसे हाथी, गंध के लोभ में भौंरा, भौंरा कमल की गंध का इतना लोभी होता है कि वहां भिनभिनाता रहता है, उसमें बैठा रहता है, और धीरे धीरे वो कमल रात्रि में बंद होता है तो वो सोचता अब निकल जाऊंगा, अब निकल जाऊंगा, अब निकल जाऊंगा, और अंत में वो बंद हो जाता है, वो भौंरा उस कमल के अंदर बंद हो जाता है। आप जानते हो भौंरे में इतनी ताकत होती है कि दो दो फुट चौड़ी लकड़ी को भी छेद के निकल जाता है, उसमें छेद कर देता है, वो ऐसी उसके आरी होती उसके पास, लेकिन वो कमल की डंडी को उसको नहीं भेद पाता इतनी मुलायम पंखुड़ी को, क्योंकि उससे राग है, जिससे द्वेष होता उसे छेद सकते हैं, समझे ना। फिर वो उसमें बंद रहता कि सुबह खुलेगा तब भाग जाऊंगा, और सुबह खुलने के पहले ही कोई हाथी आता है और उसे खा जाता है, इस तरह वो भौंरा मारा जाता। चक्षु इंद्री का उदाहरण पतंगे, दीपक की तरफ कैसे आपने देखे होंगे, कैसे कैसे आकर पढ़ते हैं, कैसे आगे पढ़ते हैं। अमेरिका ने तो उनने एक ऐसी लाइट विकसित की है कि जिस लाइट पर आकर वो कीड़े टकराते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत तेजी से आते हैं और टकराते ही मर जाते हैं, ऐसे सैकड़ों किलो कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं नीचे, वो ऐसे मारते हैं कीड़ों को। अब हिंदुस्तान में भी आ गए हैं, यहाँ भी वो लाइटें आ गई हैं, अब बड़े बड़े शहरों में ऐसी लगाई जाती हैं उन हजारों कीड़ों को मारने वाले। तो वे कीड़े
सर उसकी ज्योति के लोभ में, चक्षु इंद्री के विषय की लोभ में, और हिरण संगीत का इतना शौकीन होता है कि संगीत बज रहा हो तो हिरण वहीं शांति से खड़ा रहेगा, शिकारी आराम से पकड़ ले, आ गया नहीं वो उसको में। तो कहते पांच प्राणी पांच इंद्रियों के विषयों के लोभ में कि जिस तरह फंस जाते हैं, ऐसे ही संसार के ये सभी प्राणी पांच इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए हैं। ये दो दो पंक्तियां मैंने आपको समझाई, अब मैं इन्हें पढ़ता हूं द्वारा, जिससे आपको ये भरोसा हो कि ये सब इसमें ही लिखा है। देखो जिस प्रकार हाथी हथिनी रूपी कुटनी के शरीर के स्पर्श की ओर, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर, भ्रमर बंद हो जाने वाले कमल की गंध की ओर, पतंगे दीपक की ज्योति के रूप में की ओर, और हिरण शिकारी के संगीत स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। आगे ना पांचों के पांच लिखे, ये पांचों के पांच संस्कृत में भी हैं। आप कहो तो मैं सुनाऊं आपको, लेकिन कुछ समझ में तो आएगा नहीं आपकी संस्कृत में, अपना समय जाएगा दो चार मिनट। बिल्कुल ही ऐसे ही शब्दों में संस्कृत में लिखा है, मैंने अक्षर सा हिंदी अनुवाद किया है नीचे, ख्याल में आई ना। उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए, यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, तथापि वे विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। अभी आप देखो रोजाना अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, और कितने ये जितने केस होते हैं ना रेप के, मैं बेचारी माताओं बहनों की इज्जत लूटने के, तो कितने कितने कठोर दंड अभी दिए गए हैं, कैसे कैसे नई उम्र के युवक जेलों में गए हैं, फांसी पे चढ़ने की नौबत आ गई है। ये बराबर अखबारों में रोजाना अपन पढ़ते हैं ना, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, फिर भी वो केस होते जाते हैं और वे केस भी पढ़ते हैं वहीं। आप सोचो वो कितना दुख होगा कि इतना उनको दिखाई देता है कि ऐसा काम करने वाले को कितनी कठोर सजा मिली है, अपनी आंखों से देखते सुनते भी वे अपने को रोक नहीं पाते और ऐसे अपराध करते हैं, है ना। अब वो कहते हैं कि यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार ना किया जाए। वो अब क्या कहना चाहते हैं आचार्य, देखो कि उनका दुख किसी ने दिया नहीं है, वो उनके ही अंदर पड़ा है। नहीं आया समझ में? देखो एक लड़का एक लड़की पे आकर्षित हुआ, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उसके दुख का कारण लड़की नहीं है, हम खाने पर आकर्षित हुए तो हमारे दुख का कारण वो खाना नहीं है, समझ में? तो क्या है कि हमारे अंदर जो उसके अंदर तीव्रतम भोग का भाव है उसका, वो उसके दुख का कारण है। आपकी समझ में आए कि नहीं? कि हम उसे दुख का कारण मानते हैं, तो अगर महिलाओं पे प्रतिबंध लगाओ, लड़कियां बाहर नहीं निकलें, लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहने, लड़कियां ये नहीं करें, उन्हें कॉलेज में मत जाने दो, ये नहीं करने दो, अपना कैसा इंतजाम करते हैं, जैसे वो लड़कियां दुख का कारण है। वो कहते लड़कियां दुख का कारण नहीं है, उनके अंदर की जो तीव्र तृष्णा तत्संबंधी वो दुख का कारण है। ऐसे वो भोग सामग्री सामने है वो तो हमारी भूख मिटाने वाली है, लेकिन हमारे वो भोग सामग्री दुख का कारण नहीं है, खाने पीने की चीज, हमारी जो तीव्र इच्छा उसको खाने की है वो दुख का कारण है। यदि वो कहते हैं देखो नीचे कि यदि उनका ये दुख स्वयं से नहीं होता, स्वाभाविक नहीं होता, मैंने अपने से ही पैदा हुआ है, वो कह रहे कि दूसरे ने उन्हें दुखी नहीं किया, आप क्या करोगे कि माँ कह मेरा नेचर तो बहुत अच्छा है,
मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर किसी माँ बहन को देख लूँ तो फिर मेरे से नहीं रहा जाता। तो ऐसा कौन आदमी है कि जो बिना ही देखे और उसके अंदर विकृति आ जाती हो? क्यों? वैसे तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई गाली दे दे तो फिर मुझसे नहीं रहा जाता। क्यों? तो वो जो दुखी हैं वो अपने गुस्से के कारण हैं। वो दूसरे ने गाली दी, उस गाली के कारण दुखी नहीं है। समझ में आया? ये बता रहे हैं, पांच इंद्रियों के विषयों के कारण ना सुखी हैं और ना दुखी हैं। अपने अंदर की जो तृष्णा है उसके कारण दुखी हैं और उसी के कारण सुखी हैं। देखो, तो जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है, तीन लाइनें पढ़ूंगा शांति से सुनना, वह पसीना लाने का उपचार करता, जिसका दाह ज्वर उतर गया है वह कांजी से शरीर के ताप को उतारता, जिसकी आँख का दुख दूर हो गया है वह बटा चूर्ण आँजता, जिसका कर्ण शूल नष्ट हो गया है वह कान में बकरे की पेशाब डालता, और जिसका घाव भर गया है वह लेप करता दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार इंद्रिय सुख वालों के दुख नहीं हो तो उनके इंद्रिय विषयों में व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए, किंतु उनके प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि जिनके इंद्रियां जीवित हैं ऐसे परोक्ष ज्ञानियों का दुख स्वाभाविक है ना? अब वो क्या कह रहे हैं, देखो एक एक चीज ध्यान से सुनना। जब अपन को एक बुखार ऐसा होता है कि सर्दी लग के आता है, कपकपी छूटती है, तो उसके लिए पहले ऐसा इलाज होता था, ये अमृतचंद आचार्य के जमाने में 1000 बरस पहले, कि उन्हें लिटा देते थे और ऊपर से कम्बल वम्बल डालते थे और बहुत पसीना आता था तो वो बुखार उतर जाता था। एक ऐसा ज्वर होता था कि जिसमें सारे शरीर में जलन होती थी, तो उसमें एक ऐसा लेप आता था कि उसे उस लेप करते थे तो उससे उसका बुखार उतर जाता था। तो वो कहते हैं कि जिसको भयंकर पीड़ा नहीं होती, जिसको शीत ज्वर उपशांत हो गया होता, शीत ज्वर ठीक हो गया होता, तो पसीना लाने का उपचार नहीं करता। जिसका दाह ज्वर उतर गया होता तो वो कांजी वो पदार्थ है ना, उसे लपेट कर उस दाह ज्वर को दूर करने की कोशिश नहीं करता। और ये करते लोग देखे जाते हैं, इससे मालूम होता कि वो उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। देखो, और जिसका आँख का दुख दूर हो गया है तो वो आदमी बटा चूर्ण आंत, बटा चूर्ण कोई होती होगी दवाई जिसे आँख में लगाने से आँख ठीक हो जाती थी, तो कहते आँख ठीक जिसकी हो जाए वो बटा चूर्ण क्यों लगाएगा? अब कान का कहते हैं कि कान में बहुत दर्द हो तो बकरे की पेशाब डालो तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। देखो ये आचार्य देव ने लिखा है, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ कि जो ये दवाइयाँ बता रहा हूँ, आप जाओ घर पर और बकरे की पेशाब कान में डालो और कान ठीक नहीं होए तो मेरे पास रैना लेके नहीं आना। और आचार्य देव भी डॉक्टर नहीं है कि समय सार में लिखा है वो बात झूठी कैसे हो सकती है, प्रवचन सार में लिखा है ये बात झूठी कैसे हो सकती है। अरे उस जमाने में जिस बीमारी का जो इलाज चलता था वो उन्हें मालूम था, आखिर उसी दुनिया के रहने वाले थे ना, तो वो उदाहरण उनने वहां से उठा लिए हैं। समझ में आया ना? एक दवाई सच्ची घटना है, बहुत पुरानी है, सन 1967 की है, कि मैं जयपुर में परीक्षण में प्रवचन करने आया था जब मैं इंदौर में रहता था। 48 साल तो मुझे जयपुर में हो गए हैं, उसके पहले की बात है। तो मैं शाम को प्रवचन कर रहा था बड़े दीवान जी के मंदिर में, और एक पंडित चैन सिंह दास जी थे वहाँ, बहुत बड़े विद्वान,
समाज पे उनका बहुत प्रभाव था, जो चंद्रशेखर दास जी ने कह दिया वो सारी समाज को मान्य था। तो वो अध्यक्षता करने बैठते थे और वो प्रवचन का होता था परीक्षण का, जो बाहर से विद्वान आता था। तो मैं इंदौर से आया था और वो प्रवचन कर रहा था, तो उसके बीच में मैंने एक उदाहरण दिया क्या कि जब ये जो बीमारी होती है ना, कौन सी, जब पागलपन सवार हो जाता है, पागलपन की बीमारी होती है, तो ऐसे आदमी को एक जड़ी बूटी पिलाई जाती है। अब वो जड़ी बूटी इतनी खतरनाक होती है कि यदि वो पच जाए तो पागलपन दूर हुए बिना नहीं रहे, और यदि नहीं पचे तो क्या होगा, तो वोमिटिंग हो जाएगी। तो वोमिटिंग हो और वो चीज कहीं शरीर पर पड़े, जहां पड़े वहीं कोड़ हो जाएगा, कितनी खतरनाक थी, समझे ना, कि जहां उसको वोमिटिंग हो और जहां वो पड़ जाए शरीर के जिस अंग पे एक छांटा पड़ जाए तो वहां कोड़ हो जाएगा। अब पागलपन के दूसरा कोई इलाज नहीं था, दवाई तो उसे पिलानी है, और ये भी डर लगता था कि ये वोमिटिंग हो गई तो नुकसान हो जाएगा। तो पानी में बहती नदी में खड़ा करके और इतने तक डुबा कर फिर जहाँ को पानी बह रहा है उधर को मुँह करके उसे पिलाई जाती है, और यदि उसे वोमिटिंग हो तो एकदम वो पानी में गिरे और वो बह जाए, उसमें छांटा नहीं पड़े, है ना। एक ऐसी जड़ी बूटी होती थी कि इस जड़ी बूटी से पागलपन का इलाज होता था। तो मैंने वो उदाहरण दिया और फिर ये कहा कि समर्थवार ऐसी ही जड़ी बूटी है कि मिथ्यात्व का पाला पागलपन दूर करना हो तो इसे घोंट के पिलाओ, यदि ये पच जाए समय सार तो गारंटी से वो पागलपन दूर हो जाएगा मिथ्यात्व का, और यदि नहीं पचे तो वोमिटिंग होगी तो उसको काय का स्वतंत्रता का, वो बोलते ना स्वच्छंदता का कोड़ हो जाएगा। समय सार ऐसा है, पच जाए तो मोक्ष हुए बिना नहीं रहे और नहीं पचे तो कोड़ हुए बिना नहीं रहे, समझ जाओ स्वच्छंदता का। ये उदाहरण मैंने दिया 49 बरस पहले की बात बता रहा हूं, कब, सन 47 का, और अभी कितना 15 आ गया ना, तो उनने सुना, सबने सुना, वो पंडित जी को ऐसा लगा कि ये बात सच्ची है क्या। तो दूसरे दिन उनने किसी बहुत अच्छे वैद्य को बुलाया क्या, और उनने उससे पूछा कि ऐसी कोई जड़ी बूटी होती है क्या, ब्राह्मी बूटी उसका नाम, ऐसी कोई ब्राह्मी बूटी आयुर्वेद में होती है क्या, कल पंडित जी ने ऐसा कहा था। तो उसने कहा होती है, बहुत सावधानी से इसका इलाज किया जाता है, आयुर्वेद के शास्त्रों में बात लिखी है। तो पंडित जी को बहुत प्रसन्नता हुई, पंडित जी तो मेरे दादाजी की उम्र के थे, मैं तो उस वक्त 27-28 वर्ष का था और पंडित जी 65 वर्ष से ऊपर के होंगे। तो उनने दूसरे दिन भरी सभा में आके कहा कि डॉक्टर साहब का प्रवचन बहुत बढ़िया और सच्चा है, मैंने उनकी कल बात वैद्य को बुला करके पूछी, पर उनने कहा कि हाँ ऐसी जड़ी बूटी होती है। जो उनने ये बात कही तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब आप कहोगे इसमें क्या गाली दे दी थी उनने, इसमें बुरा लगने की क्या बात थी, है ना, बुरा लगने की उनने कुछ ऐसा कहा तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा उसी सभा में कि यदि ये बात वैद्य जी हाँ नहीं भरते और कह देते कि ऐसी कोई जड़ी बूटी आयुर्वेद में नहीं होता, नहीं होती तो क्या होता, वो तो उनने कह दी कि होती है, तो पासा सीधा पड़ गया
उल्टा भी तो पढ़ सकता था, वेद जी कह सकते थे कि ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं होती, तो क्या होता? तो क्या मैं नकली पंडित सिद्ध हो जाता? अरे नकली वैद्य सिद्ध होता, नकली पंडित नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो वैद्य की बात है, मैं दवा का जानकार थोड़ी हूं, मैं वैद्य थोड़ी हूं, वो बात तो झूठी हो ही सकती है। मुझे तो सुनी है तो मैंने उदाहरण दिया, लेकिन मैंने ये कहा कि समय सार ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसी ब्राह्मी बूटी है कि उसे पढ़ेगा तो उसका मिथ्या तो गए बिना रहेगा नहीं। ये बात सत्ती है ना, ये झूठी निकलेगी तो पंडित हुकुमचंद नकली पंडित कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो उदाहरण नहीं लेना, इस समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी है। हमने तो आज तक सुनी नहीं थी। पंडित जी हमें को बताओ क्यों? वो सोना बनाने की विधि लिखी है, लेकिन आज तक किसी ने उस विधि से सोना बना नहीं पाया। क्या करें हम? वो आचार्यों को झूठा माने, क्या करें? मैं आपसे पूछता हूं, उन्होंने तो ऐसे ही उदाहरण के रूप में सोना बनाने की विधि लिखी है, आप समझे ना। लेकिन टीकाकारों ने क्या करे? कुंद कुंद ने लिख दी 2000 वर्ष पहले, तो अमृतचंद्र ने लिखा कि प्रतिबंधक कारणों के अभाव होने पर, ऐसी शर्त लगा दी कि उसको प्रतिबंधक कोई कारण नहीं हो तो सोना बन जाता है। और अजय सेनाचार्य ने कह दिया कि साथ में पुण्य का उदय हो तो बन जाए। क्या उसका पुण्य का उदय भी होना चाहिए? क्या तो बनता है? पुण्य का उदय कहां से लाए, कैसे मिलाओगे, कैसे डालोगे उसमें? क्यों? मतलब सवाल उसका नहीं है, सवाल तो वो आचार्य तो उदाहरण दे रहे हैं। वो आचार्य यहाँ पर कोई तुमको सोने बनाने की विधि नहीं बता रहे, वे तो सब सोना छोड़ छाड़ के आए हैं। एक बात और बताऊं मैं आपको, सुमेरु पर्वत के अंदर लाखों मन सोना बिल्कुल शुद्ध, 100% शुद्ध, 24 कैरेट का अंदर भरा पड़ा है। सुना आपने कभी कि नहीं? शास्त्र में लिखा है सब। अब ये सुन करके तुम भाग के जाना मत, सुमेरु पर्वत तोड़ने की कोशिश मत करना। आज तक कोई निकाल नहीं पाया, क्योंकि सुमेरु पर्वत को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो किसने देखा फिर? क्यों बिना देखी बात लिखी ना, झूठी है ना। अरे सर्वज्ञ भगवान ने देखा, तुझे सर्वज्ञ भगवान का भरोसा होगा तो तुझे वो सोने का भरोसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। भाई वस्तु का स्वरूप श्रद्धा के साथ सुने, गहराई से समझे, तो उसको आनंद भी आए और सुख की प्राप्ति भी हो। तो इस तरह इन गाथाओं की चर्चा अपन ने अभी की, अभी आगे और भी चर्चा बाकी है इसी प्रकरण की, ये चर्चा अपन कल करेंगे।